एडम एक होशियार लड़का था। सभी बच्चे उसको स्मार्ट मानते थे और वो पढ़ाई और खेलों में बहुत बेहतर था। पर सिर्फ मम्मी पापा और उसकी बहन को ही ये रहस्य मालूम था कि रात होते ही उसकी पम्पम बज जाती है। एडम को अंधेरे से बहुत डर लगता था। अरे यार, यहाँ तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। वो इतना डरपोक था कि उसको मीडियम रोशनी से भी घबराहट होने लगती थी, जिसकी वजह से वो लोग लंबे टाइम से मूवी देखने भी नहीं गए थे। मॉम डैड के कमरे के बीच में ही एडम का कमरा था, फिर भी वो भोंदू सोने के लिए मॉम डैड के रूम में जाता था। अरे मम्मी, थोड़ा साइड हो ना, मैं भी यहीं पे सोऊंगा। बेटा, अब तुम बड़े हुए हो, अब तो अकेला सोना सीख जाओ। अरे मैं नहीं जानता, मुझसे कुछ मत पूछो। एडम को अपनी इस कमजोरी पर बहुत गुस्सा आता था। वो पागल खुद समझ नहीं पाता था कि अंधेरे में ऐसा क्या है जिससे वो डर रहा है। यार, रूम में कितना अंधेरा है, यहाँ पर कोई भूत आत्मा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, पर ये सब तो सिर्फ कहानी और फिल्मों में ही होती है। इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करने के बाद डरपोक एडम सो जाता है। अगले दिन शाम को ऑफिस से लौटते समय एडम के पापा उसके लिए एक टेलीस्कोप ले आए। देख बेटा, मैं तेरे लिए क्या लेके आया। है क्या पापा? तू खुद ही देख ले। क्या है इसमें? अरे वाह पापा, ये तो टेलीस्कोप है। थैंक यू सो मच पापा। एडम को काफी मजा आ रहा था, पर उसे क्या पता था कि रात होते ही ये टेलीस्कोप उसकी प्रॉब्लम बन जाएगी। इसका ध्यान तो उसे तब आया जब सब लोग खाना खाने के बाद छत पर टहलने के लिए चले गए। मम्मी, आपको पता था ना कि सभी लोग छत पर जाने वाले हैं? हाँ बेटा। आपको पता है ना मेरे को अंधेरे से डर लगता है, मेरे को नहीं जाना, आप लोग ही चले जाओ। अरे अरे, कैसे नहीं जाना, मैं हूँ ना बेटा तेरे साथ, तू डर क्यों रहा है? एडम के पापा सोच रहे थे कि ये सब करने से डरपोक एडम का डर खत्म हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो डरपोक एक टूक आसमान को देखे जा रहा था। पापा, ये आवाज कैसी थी? अरे हो सकता है कोई गिरगिट नींद न आने के कारण टहन में आई हो। अब एक घंटा होने को आया था और डरपोक एडम की छटपटाहट अब बढ़ने लगी थी। पापा, अब चले क्या नीचे, बहुत देर हो गई है, देखो ना। अरे चल रहे हैं, थोड़ा सब्र रख ले, कैसा डरपोक बच्चा पैदा हुआ है। अगला दिन एडम सुबह सुबह जल्दी तैयार होकर स्कूल चला गया। आज स्कूल में बहुत चहल पहल थी और पढ़ाई लिखाई भी कुछ खास नहीं हो रही थी। तभी एडम के क्लास टीचर क्लास में आए। बच्चों, आज कोई पढ़ाई नहीं होगी। क्या, मगर क्यों सर? क्योंकि हम लोग पिकनिक जा रहे हैं। अरे यार क्या बात है सर, अब तो बहुत मजा आएगा। सुनो बच्चों, पिकनिक 2 दिन और 2 रातों की होगी और सभी बच्चों को आना कंपलसरी है। सभी बच्चे बहुत खुश हो गए और खुशी के मारे किलकारियां मारने लगे। और इधर हमारे डरपोक एडम के पेट में तो मरोड़े उठने लगे। यार 2 दिन तो ठीक है, पर मैं रात कैसे निकालूंगा? रात के समय जब एडम और उसके पापा खाना खा रहे थे, तब एडम के पापा ने उसका लटका हुआ मुंह देखा। क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है? अरे पापा, वो टीचर ने बोला है कि सभी बच्चों को पिकनिक पे आना है और पिकनिक भी 2 दिनों की है, पर मैं पिकनिक पे जाके क्या करूंगा? इससे अच्छा मैं घर पर बैठ के पढ़ाई करना चाहता हूँ, पर मैं ऐसे तो छुट्टी नहीं ले सकता ना। सो इसलिए पापा, मेरे को डॉक्टर के प्रमाण पत्र की जरूरत है। एडम के पापा को सब पता था कि डरपोक एडम को पिकनिक छोड़ के पढ़ाई क्यों सूझ रही है, पर एडम के पापा ने भी एडम को कड़े शब्दों में बोल दिया। नहीं बेटा, तुमको जाना ही होगा, पढ़ाई होती रहेगी, दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहने के मौके बार बार नहीं मिलते, पिकनिक पे जाओगे तो 2 बार पे सीख के ही आओगे। पर पापा। अगले दिन की शाम को स्कूल पिकनिक के लिए निकल गई। पिकनिक के स्पॉट पॉइंट पर पहुंचकर डरपोक एडम ने देखा कि ये पिकनिक तो जंगल के बीचों बीच है। सुनो प्यारे बच्चों, हम लोग पिकनिक की जगह पर पहुंच गए हैं और ये पिकनिक का स्पॉट जंगल के बीचों बीच होने वाला है, तो सभी बच्चे जंगली जानवरों से बच के रहें और अपना अपना पार्टनर चुन ले। टीचर के इतना बोलते ही डरपोक एडम फटाफट जाकर तनीष के पास खड़ा हो गया, क्योंकि तनीष एक जूडो चैंपियन था। एडम का पार्टनर बनने के लिए तनीष ने भी हाँ कह दिया, पर तनीष के चेहरे पर भी थोड़े परेशानी के भाव थे। पर डरपोक एडम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया कि अब उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके साथ तो एक जूडो चैंपियन है। रात होते ही टीचर ने सभी बच्चों को जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेजा। एडम आगे आगे चल रहा था और उसका दोस्त तनीष पीछे पीछे चल रहा था। तभी तनीष ने एडम से पूछा, अरे यार एडम, तू एक बात बता, क्या तुझे अंधेरे से डर लगता है? हैं? इसको कैसे पता चल गया मेरे को अंधेरे से डर लगता है? जब एडम ने पीछे मुड़ के देखा तो तनीष खुद डर के मारे कांप रहा था। तनीष ने बताया कि उसको अंधेरे से बहुत डर लगता है। हैं? डर लगता है? अरे अंधेरे से क्या डरना। तभी
झाड़ियों में से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। अरे यार एडम, देखना वहाँ पे क्या है। अरे तू टेंशन मत ले, मेरे पास टॉर्च है ना, तू टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ क्या है। अरे यार मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे भाई तू हंस क्यों रहा है। अरे पागल, वहाँ पर तो बिल्ली थी, तू बेकार में इतना डर रहा है। हाँ पर इसमें हंसने की क्या बात है। अरे भाई कुछ नहीं, तुम्हारी ये हालत देख कर ना मुझे एक पागल लड़का याद आ गया। अब डरपोक एडम का डर खत्म हो गया था और वो दोनों कैंप की ओर चले गए। सो दोस्तों, आप इसी तरीके से फ्री फायर की इंटरेस्टिंग कहानियां देखना चाहते हो तो क्या कर रहे हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो।